आप सभी फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट्स का एक बार फिर से हमारे इस एफआर के सीरीज में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम तो आपको पता ही है, क्लियर सी एग्जाम्स। हमारा विजन जो है, मैं बार बार बोलता हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं आपके लिए। हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आई कैन एंड आई विल, आई कैन एंड आई विल। जी, हमें करना है तो करना है, आज करेंगे, अभी करेंगे और इस बार सी ए बन के रहेंगे, क्योंकि बनना है तो बनना है, इज़न्ट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर क्या रहे हैं अभी, शेड्यूल थ्री के कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें से प्रीवियसली हमने तीन क्वेश्चंस किए हैं, अब चौथे क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये चौथा क्वेश्चन हमने कहाँ से लिया है, 18.70 एफआर का स्टडी मटेरियल से। सो लेट्स स्टार्ट, के स्टडी फाइव है। ये बोला फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस एल पार्वती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एस एल पार्वती इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, कुछ नहीं, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। ये रहा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी लाइबिलिटीज शेयर होल्डर्स फंड। इसको देखते एक भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, मतलब वो बैलेंस शीट था, ये पीएल है और ये नोट्स टू अकाउंट नीचे दिए हुए हैं। हमसे पूछा क्या गया है, पहले वो देख लेते हैं। हमसे पूछा गया है आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट द एरर्स एंड मिसस्टेटमेंट इन द अबव एक्सट्रैक्टेड इफ एनी। बोला कि जो भी एरर मिल रहा है उसे हमें आप बताइए और करेक्ट करिए। प्रिपेयर द करेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज बैलेंस शीट एंड पीएल इन दिस केस। तो चलिए देखते हैं बैलेंस शीट, देखते हैं एक बार कि क्या गलती है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, पहली बात तो जिस फॉर्मेट में ये बना हुआ है, ये फॉर्मेट ही गलत है। हमारे शेड्यूल थ्री का डिवीजन टू क्या बोलता है, पहले तो एसेट आएगा ना, एसेट में भी नॉन करंट एसेट आएगा पहले, तो ये जो फॉर्मेटिंग है तो पहली उसकी गलती है। तो पहला एरर हमें पता चल गया कि जिस फॉर्मेट से लोग बनाया हुआ है वो गलत है। तो इसको क्या लिखेंगे, एरर में सपोज करिए पहला एरर हमें आइडेंटिफाई कर लिया, तो फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर्मेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एज पर डिविजन टू ऑफ शेड्यूल थ्री ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बस पहली गलती ये मिल गई कि इनको उस हिसाब से बनाना चाहिए। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इनके ऊपर इंडेस एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके, देख लेते हैं एक बार इनका टर्नओवर कितना है, 250 करोड़ से ज्यादा ही है। हाँ, टर्नओवर मिलियंस में है, तो भैया सही है, इनको अप्लाई करना चाहिए था, इन्होंने अप्लाई नहीं किया। ठीक है, पहली गलती तो ये रही। अब चलिए आगे देखते हैं, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व्स ये डिवीजन वन के हिसाब से बना है, वो भी गलत है। लॉन्ग नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, ओके, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज यहाँ पे दिया हुआ, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करेंट लाइबिलिटीज ये दिया हुआ है, डिटेल दिया हुआ, डिटेल तो हमें चाहिए। ये नोट्स भी इन्होंने बनाए हैं, तो नोट्स आप देख सकते हैं नीचे। फिर नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट और डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी इन्होंने एक साथ कंबाइन नहीं किया है। तो एक गलती ये भी है कि यहाँ पे आप डिफर्ड टैक्स एसेट, पहली गलती हमने लिख ली, दूसरी कि डिफर्ड टैक्स एसेट DTA एंड DTL शुड बी एडजस्टेड, ये एडजस्ट हो जाना चाहिए, एक दूसरे से हमें अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। शुड बी एडजस्टेड अगेन अगेंस्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से एडजस्ट हो जाने चाहिए,
थे। एज्यूमिंग अंडर सम, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि अंडर सेम टैक्स लॉज है। होता क्या है, आप एक दूसरे से सेट ऑफ कर सकते हैं अगर वो सेम टैक्स लॉ का, इनकम टैक्स एक्ट का दोनों है तो आराम से सेट ऑफ हो सकता है। तो क्या जरूरत पड़ेगी यहां पे, हेंस रिपोर्टिंग ऑफ DTA एंड DTL इज नॉट करेक्ट। हम क्या कर रहे हैं अभी, हम बैलेंस शीट देख रहे हैं जो कि डिवीजन वन से बनी हुई है, जिसमें हमने शेयर होल्डर्स फंड देखा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये सारा तो फॉर्मेटिंग का एरर है, जो कॉन्सेप्चुअल मतलब प्रेजेंटेशन का एरर है। यहाँ पे दोनों अलग अलग दिखाया गया, वो उसको तो करेक्ट करना है। ये ओवरऑल जो गलती है वो तो डिवीजन वन से डिवीजन टू की हमने बात कर ली कि वो तो बात हो गई, लेकिन यहाँ पर डेफर टैक्स एसेट और डेफर टैक्स लाइबिलिटी को अलग करके दिखाया गया, अलग अलग दिखाया गया। वी शुड शो इट एज अ सिंगल आइटम, ठीक है। करंट एसेट पे इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, इसको बाइफर्केशन में देखना पड़ेगा। ट्रेड रिसीवेबल में हमें डिवीजन टू में पूरी तरीके से एक अलग दिखाना पड़ता है, वैसे यहाँ पे ट्रेड पेबल में भी अलग दिखाना पड़ता है। तो इन दोनों का फॉर्मेटिंग में गलती होगा। बैलेंस शीट का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग, ठीक है ठीक है। SPL थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा, इनकम लिखना पड़ेगा और अलग से थोड़ा फॉर्मेटिंग जो डिवीजन टू बोलता है उसके हिसाब से अपनी करेंगे। क्या नोट्स टू अकाउंट सही बनाया है इन्होंने, वो देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस एडिशन, प्रॉफिट का इन्होंने बैलेंस डाला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को यहाँ पर डाल दिया, 49 ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। ये रिजर्व फॉर फॉरसीएबल लॉस, फॉरसीएबल लॉस मतलब जो छोटे मोटे लॉस होंगे उसके लिए इन्होंने एक रिजर्व बना के रखा है। तो बेसिकली इट इज अ प्रोविजन, ये एक प्रोविजन है, ठीक है। फोर्सिबल लॉ एक रिजर्व नहीं है, इट इज अ प्रोविजन। तो इसका तीसरा पॉइंट आ जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूं। बेसिकली जो है रिजर्व फॉर फोर्सिबल लॉज इज इन फैक्ट, isn't it, is in fact provision। वास्तविकता इसकी देखी जाए तो ये provision है, तो it should be hence, या hence it should be reported as short term provision। इसको मैं कैसे दिखाना चाहिए, as a short term provision, बस। फिर आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टर्म लोन फ्रॉम द बैंक, इसमें एक नोट दिया हुआ है, इस पर अभी हम आएंगे, अभी नोट्स पढ़ेंगे तब। डिफर टैक्स एसेट और डिफर टैक्स लाइबिलिटी के इसका हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया है, जो कि ऊपर था ये वाला, तो ये नीचे आ जाएगा, तब इससे रिलेटेड है, ये रहा इधर, बहुत लंबा लाइन खींच दिया। चलिए, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल इन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया है, जबकि अपना डिवीजन टू क्या बोलता है, हमें फेस पे दिखाना पड़ेगा, वहीं पे लिखना पड़ेगा कि भैया ऐसे ही होगा, मतलब ट्रेड पेबल्स MSME एंड अदर ट्रेड पेबल्स, मतलब बैलेंस शीट पे ही दिखाना पड़ेगा। ये बैलेंस शीट है तो यहीं पे हमें ट्रेड पेबल, MSME और अदर ट्रेड पेबल दिखाना पड़ेगा, लेकिन ये नोट्स टू अकाउंट्स में इन्होंने दिखाया है, जो कि बिल्कुल गलत माना जाएगा। तो इसका चौथा एरर क्या हो गया, रिपोर्टिंग जिन्होंने की है MSME की, MSME's लाइबिलिटीज की, ट्रेड पेबल लाइबिलिटीज अंडर ट्रेड पेबल, लो लिख लेते अंडर ट्रेड पेबल, इट शुड बी वॉट, इट शुड बी ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट, शुड बी ऑन,
फेस, आई एम सॉरी, फेस ऑफ बीएस, इजंट इट? उसके फेस पे दिखाएंगे, क्योंकि हमने जो पढ़ा है डिविजन टू उसमें तो फेस में दिखाने बोला है। यहां पे एक गलत दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अदर करंट लाइबिलिटीज है, ठीक है। ये है ट्रेड रिसीबल। ट्रेड रिसीबल भाई साहब तो पूरी तरीके से चेंज हो गया, अमेंड हो गया। जो यहाँ पे रिपोर्टिंग है, पांचवा पॉइंट लिख लेते हैं। जो रिपोर्टिंग है डेटर की, रिपोर्टिंग ऑफ डेटर, शुड बी इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन। ये तो पूरी तरीके से चेंज हो गया, हम बताएंगे इसको। शुड बी इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन, ये एक डिफरेंट क्लासिफिकेशन में होना चाहिए। शुड बी इन डिफरेंट क्लासिफिकेशन, मतलब अभी क्या हो गया ना, ये 6 महीने का बताने का जरूरत नहीं है, 1 ईयर का बताने की जरूरत नहीं है, डाउटफुल का लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको अपने नोट्स टू अकाउंट में जैसे डिविजन टू में बताया हुआ वैसे बना के दिखाएंगे भी, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है इसमें? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ईएमआर बैलेंस विद द बैंक्स। ईएमआर बैलेंस विद द बैंक कहाँ जाएगा भाई साहब? ये एक फिक्स्ड अमाउंट रखा जाता है, एस्क्रो अकाउंट जानते हैं आप, एस्क्रो, ईएमआर बैलेंस विद बैंक्स। बेसिकली क्या है, एक एस्क्रो अकाउंट है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, तो इसको हम लोग डालते हैं शुड बी डिस्क्लोज्ड इन अदर बैंक बैलेंस। इन और एज अदर बैंक बैलेंस, ठीक है। अभी अदर बैंक बैलेंस कहाँ आएगा? करंट एसेट और फाइनेंशियल एसेट, करंट एसेट के सब एड फाइनेंशियल एसेट के अंदर। अब यहाँ पे लिखा है शेयर कैपिटल कंप्राइजेस ऑफ 100 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक फॉर INR 4 times 5 million ऑल्सो इंक्लूड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, अक्रूड इंटरेस्ट इंक्लूड करता हूँ 5 million का एज ऑन रिपोर्टिंग डे। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अक्रूड इंटरेस्ट को टर्म लोन में इंक्लूड कैसे कर सकते हो? वो अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में जाएगा, टर्म लोन में क्यों दिखाओगे भाई? तो इसको क्या लिखेंगे? अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ व्हाट? रुपीज 555। इसको कहां दिखाना चाहिए? अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में, अंडर करंट लाइबिलिटीज। तो ये रही थोड़ी सी 7 corrections है। पहला तो डिवीजन 2 के हिसाब से पूरा बनेगा, फॉर्मेटिंग ही गलत है इसकी। और एक बात और बता दे, ये आईसीआई के आंसर से मैच नहीं करेगा। आईसीआई का आंसर दूसरे हिसाब से है, उन्होंने डिवीजन 1 फॉलो किया है, अभी भी पता नहीं कौन से फॉर्मेट से है, बट उन्होंने जो क्वेश्चन हमको जहाँ तक लग रहा है वो कॉपी कर दिया होगा, इसीलिए ऐसा हुआ है। तो हमें इसको डिवीजन 2 के हिसाब से करना चाहिए, क्योंकि हम सीए फाइनल में हैं और सीए फाइनल में सारा का सारा सब हमें डिवीजन 2 के हिसाब से करना है, तो इसीलिए फॉर्मेटिंग भी इसकी गलत है। तो आईसीआई के आंसर से नहीं मैच करेगा, क्योंकि वो डिवीजन 1 से फॉलो किए, इसलिए मैंने यहाँ पे आंसर नहीं दिखाया। चलिए, पहली बात तो डिवीजन 1 के हिसाब से होना चाहिए, डिवीजन 2 के हिसाब से होगा। डीटी और डीटीएल का आपस में सेटलमेंट हो जाना चाहिए ये दोनों। रिजर्व फॉर फॉरसीएबल लॉस जो है, इस दिस इज अ प्रोविजन, इसको हमें प्रोविजन की तरह दिखाना चाहिए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। एमएसएमईज का जो रिपोर्टिंग है इसको फेस पे, बैलेंस शीट के फेस पे दिखाना चाहिए। बैलेंस शीट के फेस मतलब हमें वहीं पे फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, एमएसएमईज और ट्रेड पेबल, अदर ट्रेड पेबल में ऐसे करके दिखाना चाहिए, मतलब बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, ना कि नोट्स टू अकाउंट्स में। रिपोर्टिंग ऑफ डेटर पूरी तरीके से एक डिफरेंट फॉर्मेट में होगा, इन्होंने जो दिखाया है अभी वो चेंज हो गया 11 अक्टूबर 2018 से,
बहुत दिन हो गया, 11 अक्टूबर 2018 से ही चेंज हो गया है। ईयरमार्क बैलेंस विद द बैंक, इसको इन्होंने सीसीई में दिखाया है, बट इट शुड बी इन शुड बी शोन एज अदर बैंक बैलेंस इन करंट एसेट, ठीक है। और अक्रूड इंटरेस्ट का एक पॉइंट है यहाँ पे, इन्होंने लिखा है कि टर्म लोन में इंक्लूड करके रखा हुआ है, जबकि ये टर्म लोन में इंक्लूड नहीं होगा, ये हमें अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में, अदर करंट लाइबिलिटीज में, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी में दिखाना पड़ेगा। तो कुछ 7 करेक्शंस है, आप ये समझ लो कि हमें बस एक डेटा दिया हुआ है और हमें एक नया बैलेंस शीट पीएल और सोकी बनाना पड़ेगा। हाँ, इसमें सोकी नहीं बना हुआ है, तो डिवीजन 2 मैंने लिखा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे सोकी इज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड, आप लिख सकते हैं सोकी इज ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड। तभी भाई डिवीजन 1 के हिसाब से तो उसमें सोकी तो है नहीं, डिवीजन 2 में सोकी है तो बनाना पड़ेगा। तो हमें सोकी, सपोज करिए सारा डेटा नया है और अपने बनाएंगे, मैंने पहले से इसलिए बना के रखा हुआ है क्योंकि आपका समय कम लगेगा, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसकी, हाँ, इसको थोड़ा दूर कर दूँ, आपको देखने में इजी होगा। तो चलिए बनाते हैं करेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, मतलब एसपीएल बनाएंगे पहले। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे, हमने कैसे लिखा है, करेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम पहले लिखेंगे फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों में ऊपर में भी 5550 है, 5500 यहाँ पे उतना ही है। एक्सपेंस परचेज ऑफ स्टॉक हमने 2200 लिखा है, उन्होंने ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है, सो ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल के कुछ नहीं है, हमें परचेज ऑफ स्टॉक लिखना होगा, हमने जो स्टॉक परचेज किया है, माल परचेज किया वो होगा, उन्होंने ऊपर ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस सेम एज इट इज, जो वहां पे था यहाँ पे होगा, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन जो वहां पे था वो यहाँ पे होगा, तो तीनों एक्सपेंस में कोई चीज नहीं है, बट यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह, सो इसको माइनस कर देंगे, इससे टोटल एक्सपेंस ये है, टोटल इनकम ये है, तो आ गया अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि उसमें भी उतना ही आया है। टैक्स एक्सपेंस 150, हाँ दिया हुआ है उसमें, चलिए देख लेते एक बार, देख लीजिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है, टैक्स एक्सपेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 951। यहाँ पे हमें बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी दिखानी पड़ेगी, तो हम ये दिखा दिए बेसिक प्लस डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अभी कैसे निकला, यहाँ पे बोला है ना ऑफ ₹10 ईच, तो हर शेयर का दाम कितना है, 100 मिलियन के शेयर है, तो हम क्या करेंगे, 950 के कैसे है, 951 डिवाइडेड बाई 100, फिगर सारे मिलियन में है तो 951 डिवाइड करेंगे तो 9.51, ये बेसिक और डायल्यूटेड एक ही आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सीधा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख दिया। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारे जो नया SPL है, SPL जो है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक नॉर्मल PL जो हम बनाते हैं, फिर अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आता है, तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कुछ नहीं था, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ये वाला ही तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो SPL तो एकदम सेम, डिट्टो सेम है, बस थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक में, और ये EPS हमने और अदर टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखा हुआ है। फिर हम बनाएंगे सोकी, सोकी में दो पार्ट है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है, मैंने सेम कलर का पेन लिया हुआ है, थोड़ा सा तो पेन मेरे को चेंज कर देना चाहिए, इजी रहेगा, कौन सा लें, रेड ले लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये उन्होंने नहीं बनाया, हमें बनाना पड़ेगा, उसमें दो पार्ट होता है, एक शेयर कैपिटल होता है और एक अदर इक्विटी होता है, मैंने नहीं लिखा हुआ है, शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका, 1000 है, चलिए देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है तो सही लिखा हुआ, देखो शेयर कैपिटल ये बैलेंस शीट में दिखा हुआ है, नोट्स टू अकाउंट्स में भी देख लेते हैं एक बार, नोट्स टू अकाउंट उसका बना नहीं है, फिर भी हमें बनाना पड़ेगा, तो उसका ओपनिंग है, कोई एडिशन और डिलीशन नहीं है, मतलब एड और लेस कुछ नहीं है, तो ये एज इट इज 1000 आ गया।
फिर अदर इक्विटी बनाएंगे अपने। अदर इक्विटी में हमको पता है कि हमें जो भी रिजर्व्स हैं और इनकम्स है सारे यहीं पे हमें डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। तो हमने कैपिटल रिजर्व और रिटेन्ड अर्निंग दो बनाए हैं, ठीक है। इन्होंने जैसे ये रिजर्व का कॉलम बनाया, तो अभी ये कॉलम क्या बन गया, अदर इक्विटी, नाम बदल गया है बस, ठीक है। सरप्लस फ्रॉम पीएल को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, थोड़ा सा फैंसी नाम दे दिया, रिटेन्ड अर्निंग। तो उसका ओपनिंग बैलेंस 49 है, ठीक है, और एडिशन इस तो इस साल का है। तो इसको थोड़ा सा इसकी रूपरेखा बदल दी गई है, इसकी रूपरेखा हमने बदल दी। इसका पेन बहुत ही, मतलब थोड़ा सा इसका साइज में तो छोटा करना पड़ेगा, कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कैपिटल रिजर्व, जो आपने रिजर्व एंड सरप्लस का हेड बनाया, अब इसको क्या बोलेंगे, अदर इक्विटी। पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया ना, लोग क्या पढ़े थे क्या हो गया। तो अदर इक्विटी में रिटेन अर्निंग जैसे मैंने बोला था आ गया, और कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व का एक हेड बनेगा, कैपिटल रिजर्व इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये रहा कैपिटल रिजर्व, दो हो गया, एक कैपिटल रिजर्व और एक रिटेनर। मैं सोच रहा कि कैपिटल रिजर्व गया का, तो मैंने ये जितने भी रिजर्व आएंगे, सपोज करो और भी रिजर्व है, तो ऐसे ऐसे कॉलम बनते जाएंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे, यहाँ पे भी नाम लिखेंगे, ऐसे करके, ठीक है। सो रिटेन अर्निंग का तो एक कॉलम रहेगा ही रहेगा, प्रॉफिट वाला या लॉस वाला, एज द केस में भी, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो ओपनिंग बैलेंस कैपिटल रिजर्व का 500 मैंने दिखा और इसका 49, और ड्यूरिंग द ईयर जो प्रॉफिट हुआ 951, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिखते हैं यहाँ पे, TCI, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम 951। तो इसका टोटल हो गया टोटल 1500। अब ये 951 कहाँ से आया, 951 ये यहाँ से आया, ओके। तो ये कैपिटल रिजर्व ऊपर से आया, ओपनिंग बैलेंस दोनों ऊपर से आया, ठीक है। 549 प्लस 951, तो ये हो गया अदर इक्विटी। तो बैलेंस शीट में दो डिस्क्लोजर जाता है इसका, एक इक्विटी शेयर कैपिटल, तो ये इक्विटी शेयर कैपिटल है और ये है अदर इक्विटी। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस बोल के अपने कुछ लिखते नहीं है, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी लिखेंगे। चलिए अब आ जाते हैं, हमने एसपीएल बना लिया और शोकी बना लिया, अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। थोड़ा सा इसको और मैं छोटा कर लूं, हाँ चलिए। बैलेंस शीट, नॉन करंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 5655, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ है, तो चलिए देखते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मतलब फिक्स एसेट को इन्होंने कैसे डिस्क्लोज किया और हमने कैसे डिस्क्लोज किया। ये रहा नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट 5655, और डिफर्ड टैक्स इन्होंने यहाँ पे डिस्क्लोज किया, हमको इस हम लोग इसको अलग डिस्क्लोज करेंगे। तो फिक्स एसेट में कोई चेंज नहीं है, तो हम लोग भी कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा अपना फिक्स एसेट। डेफर्ड टैक्स, डेफर्ड टैक्स नीचे आया नॉन करंट एसेट में, डेफर्ड टैक्स का ये रहा है, और ये एसेट है और ये लाइबिलिटी, दोनों को मैंने सेट ऑफ कर दिया, बचा 300। अभी कहाँ से फिगर आया वो भी देख लेते हैं। इन्होंने पूरी तरीके से देखिए, ये डेफर्ड टैक्स का नोट दिया हुआ है उसमें से आया, ठीक है, ओके। चलिए तो ये हो गया नॉन करंट एसेट। अब बात आती है करंट एसेट, इन्वेंट्री, इनका भी 1000 था, हमारा भी 1000 है, कोई चेंजेस नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल, ये नोट वन अपने देखने पड़ेंगे। ट्रेड रिसीवेबल देखिए, मैं चेंज की बात कर रहा था, अब ऐसे दिखाएंगे ट्रेड रिसीवेबल, सिक्योर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड गुड्स हम कुछ नहीं बता रहे हैं क्योंकि उसमें कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, इनकी डिस्क्लोजर भी देखेंगे अभी। डेटर्स विथ क्रेडिट रिस्क, एक नया डिस्क्लोजर है यहाँ पे, अब डाउटफुल आउटफुल कुछ नहीं आता, अब डेटर विथ क्रेडिट रिस्क लिखते अपने, और वैल्यूएशन अलाउंस बोल के 5 रुपया जो उसको, तो हमको घटाना ही पड़ेगा। ये कैसे किए हैं फिर अपना कंपैरिजन करेंगे तो आपको इजीली रिलेटेबल लगेगा। आइए देखते हैं, ये डाउटफुल जो वर्ड है वो हट गया है, तो इसीलिए हमने वो वैल्यूएशन अलाउंस लिखा हुआ है वहां पे।
नया टर्म आया है, तो नया टर्म लिखना आपको, डाउटफुल अभी हट गया है। अब डाउटफुल किस लिए हटा, मैंने पहले ही बताया, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है शेड्यूल थ्री की तो आप देख लीजिए, फिर भी मैं बता दूं, डाउटफुल हमारे इंडेक्स में कहीं डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसको हटा के नया वर्ड लाया गया। ये 5 महीने वाला भी कॉन्सेप्ट हट गया, 1 ईयर का भी हट गया। अब लिखते हैं सिक्योर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड गुड्स और क्रेडिट रिस्क के साथ, डेटर विथ क्रेडिट रिस्क। तो ऐसे डिस्क्लोज करेंगे 1065 अमाउंट, वहां से देख लेते हैं हमने क्या क्या अमाउंट लिया है। 1065 एज इट इज सिक्योर्ड गुड्स में डाला हुआ है, कंसिडर डाउटफुल को हमने क्रेडिट रिस्क में डाला हुआ है, अनसिक्योर्ड इसमें कुछ डेटा नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हमने अनसिक्योर्ड कुछ नहीं डाला। तो बेसिकली एक फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है और कुछ नहीं, सिक्योर्ड गुड्स, अनसिक्योर्ड गुड्स, डेटर विथ क्रेडिट रिस्क इसको इसमें डाल दिया और 165 वाला को सिक्योर्ड गुड में डाला, अनसिक्योर्ड में कुछ नहीं डाला क्योंकि डेटा कोई भी ऐसा नहीं दिया हुआ है। आप अजम्पशन ले कि आप इसको इसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हटा के वैल्यूएशन अलाउंस लेस करके एक नया टर्म है, उसको हमें लिखना पड़ेगा, वैल्यूएशन अलाउंस। ठीक है, वैल्यूएशन अलाउंस, तो बैलेंस तो वही आएगा 100, 1100। फिर बात करेंगे अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की, तो बैंक बैलेंस और कैश दोनों एज इट इज आएगा। बस यहाँ पे क्या है, उसमें अदर बैंक बैलेंस कंबाइन था पहले, लेकिन अभी ये कंबाइन नहीं रहेगा, इसको अलग से दिखाना पड़ेगा। तो 2 और 3 हमने अलग कर दिया इसको, देखिए ये नोट 3 में है और ये नोट 2 में, तो डिस्क्लोजर पर्पज के लिए अलग कर दिया गया और वो बैलेंस तो एक ही जैसा रहेगा, टोटल आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये रहा आपका टोटल एसेट, इसका टोटल आ गया 9255। चलिए अब बात करेंगे अपने लाइबिलिटीज की। इक्विटी शेयर कैपिटल हमने शो की बनाया था तो वहां से आ गया ये रहा, और अदर इक्विटी बनाया था तो दोनों 1500 में दिखा देता हूं, शो की हमने बनाया हुआ है, ये रहा इक्विटी शेयर कैपिटल और ये रहा 1500 आपका अदर इक्विटी। तो अभी बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में हमारा ये जाएगा, ये लाइबिलिटीज का कॉलम है, ऊपर एसेट था। ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, बोरोइंग। अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज में एक ही चीज आएगा जो कि होगा बोरोइंग्स, बुक्स में दिया हुआ है अपने, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी हमने पहले से ही हटा के उसको ऊपर सेट ऑफ कर दिया, डिफर्ड टैक्स नॉन करेंट एसेट में डिफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटीज सेट ऑफ करके 300 डीटीए बचा था तो वहीं पे लिख दिया। ठीक है, अगर डिटेल ज्यादा रहता तो हमें नीचे लिखना पड़ता। ठीक, तो ये हो गया नॉन करेंट लाइबिलिटीज, हमारे यहाँ भी नॉन करेंट लाइबिलिटीज में फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बोरोइंग बोल के आएगा। उसके बाद करेंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल, जैसे मैं बोला था ना अलग से डिस्क्लोज करना, फेस पे ही डिस्क्लोज करना पड़ेगा। सो ट्रेड पेबल SME5 और अदर ट्रेड पेबल, अब ये चेंजेस है, इसको आप देख लेते हैं अपने, आपने क्या डिस्क्लोज किया और यहाँ पे क्या डिस्क्लोज किया हुआ है। यहाँ पे देखिए डिस्क्लोज किया हुआ है नीचे 295 और 5, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस फेस पे डिस्क्लोज करना है, मतलब यहाँ पे अगर ट्रेड पेबल लिखा हुआ है तो यहीं पे डिस्क्लोज करना है। तो गलती इन्होंने नोट्स में डिस्क्लोज करके की, जबकि डिवीजन 1 के हिसाब से किए होंगे तो इसलिए वैसा है, हमें डिवीजन 2 के हिसाब से यहाँ पे करना है। तो ये हो गए। उसके बाद अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, करेंट लाइबिलिटीज में अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज का हमने एक नोट्स बनाया है, जिसमें अक्रूड इंटरेस्ट को जैसे हमने टर्म लोन से निकाल के यहाँ पे डाल दिया था। ठीक है, टर्म लोन मतलब बोरोइंग में डाला हुआ था ना 5555, उसको निकाल के हमने अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में डाल दिया है और अनपेड डिविडेंड को भी इसमें डाल दिया है। ठीक है, आइए देख लेते ऊपर इन्होंने क्या किया है। अदर करेंट लाइबिलिटीज का हमें नोट्स 2 अकाउंट देखना पड़ेगा। देखिए A3 को हमने इसको बिलिंग एंड एडवांस को हमने हटा के दूसरे जगह डाला, वो भी अभी मैं बता रहा हूँ। अनक्लेम डिविडेंड ये यहीं पे रहेगा, इसमें एक एडिशन हो गया अक्रूड इंटरेस्ट का, और बिलिंग एंड एडवांस देखिए यहाँ पे
एम सॉरी, ये यहाँ पे है अदर करेंट लाइबिलिटीज में, ये अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, फिर करेंट लाइबिलिटीज में अदर करेंट लाइबिलिटीज, बिलिंग एंड एडवांस। ये क्या है? बिलिंग इन एडवांस। और ये बचा आपका प्रोविजन, प्रोविजन में प्रोविजन फॉर वारंटी और अदर प्रोविजन, सब ये कहाँ है? ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमने यहाँ पे ये ऐड किया है। ठीक है, ओके। देखिए ये रहा शॉर्ट टर्म प्रोविजन 250। इसमें हमने एक चीज ऐड की है प्रोविजन की, जो हमने बात की थी कि भाई फोर्सिबल लॉस जो है उसको हमें प्रोविजन में डालना पड़ेगा, दैट इज 500। पहले से 200 था, हमने और 500 ऐड किया उसमें, क्योंकि हमें वहां पे, बिकॉज दैट इज नॉट अ रिजर्व, दैट इज अ प्रोविजन, तो इसको हमने यहाँ पे डाला है। ये और ये अदर प्रोविजन पहले से ही था, हमने 500 यहाँ पे डाला है प्रोविजन फॉर वारंटी, फोर्सिबल लॉस के लिए हमने एक प्रोविजन बना के रखा है बेसिकली। सो ये रही आपकी फिगर, ऑलमोस्ट सेम आपको दिखेंगे, बस स्लाइटली चेंज इन फॉर्मेटिंग होगी उसके वजह से आपका। देखिए यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ। एसपीएल जो है हमने सेम एज इट इज बनाया है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जिसमें शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी का डिस्क्लोजर किया, इसमें थोड़ा सा आपको कैपिटल रिजर्व और रिटेन अर्निंग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ होगा कि भाई ऐसे बनाना है और ये हमने बना के दिखाया। फिर बैलेंस शीट की बात आती है, तो बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सेम है, डिफर्ड टैक्स एसेट और लाइबिलिटी को हमने एक साथ सेटअप कर दिया है, करंट एसेट इन्वेंट्री सेम फिगर, फाइनेंशियल एसेट ट्रेड रिसीवेबल में थोड़े बहुत चेंजेस है, डिस्क्लोजर पर्पज के हिसाब से डाउटफुल वर्ड को हटा दिया गया, 6 महीने और 1 साल के वर्ड को हटा के अभी ऐसे डिस्क्लोज करते हैं, ऑल दो वैल्यू सेम है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में एक एक्स्ट्रा चीज था जो हमने हटा के अदर बैंक बैलेंस में डाल दिया, दैट इज ईयर मार्क फंड्स, तो ये एसेट की बात हो गई, जिसका ये डिस्क्लोजर भी हो गया, तीनों डिस्क्लोजर सॉरी। ठीक है, फिर शेयर कैपिटल के हमने शोकी बनाया था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल वहां से 1000 और अदर इक्विटी 1500 हम ले लिया, एनसीएल हमने बोरिंग वहां से 5000 का ले लिया, इसमें 555 एक चीज जो था उसको हमने अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में डाल दिया, बिकॉज दैट इज अक्रूड इंटरेस्ट, उसको अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज में हमने यहाँ पे डाल दिया विथ अर्न क्लेम डिविडेंड के साथ। ट्रेड पेबल्स एसएमई और पेबल अदर ट्रेड पेबल ऐसे डिस्क्लोज करना है, तो हमने फेस पर डिस्क्लोज कर दिया। अदर करेंट लाइबिलिटीज में बिलिंग एडवांस वाला बचा जो कहीं नहीं, तो अदर करेंट लाइबिलिटीज, और प्रोविजन में हमने एक चीज ऐड की फोर्सिबल लॉस वाला, और 250 पहले से ही था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड वी आर फिनिश्ड विद द शेड्यूल 3 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ आवर इंड एस, एंड वी विल नाउ मूव टू डायरेक्ट टू द इंड एस। एंड फिर से आप सभी का थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, आप हमारे साथ जुड़े रहे और हम दोनों लोग जुड़े हैं। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आई कैन एंड आई विल, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितनी जल्दी वीडियोज अपलोड कर पाऊँ करूँ, बहुत टाइम भी लगता है और हार्डवर्क भी लगता है। एंड आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक बटन क्लिक करिएगा, आई मीन कैसे बोलते हो उसको, लाइक करके जाइएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके ऐसे बोलते हैं, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। एक बात याद रखिएगा कि आप हैं तो हमारी हैसियत है जी। शुक्रिया, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैंने 2 बार बोल दिया, सॉरी, बाय।